वंदे मातरम, मैं हूँ आपके साथ ऋतु भंडारी और नेटवर्क इनकी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। एमसीडी इलेक्शन जिस तरह से तारीख के नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अभी फिलहाल हम खड़े हैं दिल्ली के कृष्णा नगर के वार्ड नंबर 21 में, जहाँ पे कई मुद्दों को लेकर आम जनता अपनी राय रखती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही कई तरह की बातें और प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आएंगी। लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप किस तरह से नगर निगम चुनाव को देखते हैं कि क्या कुछ होगा, क्योंकि बीजेपी का वर्चस्व अभी तक कायम रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और एमसीडी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है शहर को व्यवस्थित रखना। ये काउंसलर चुने जाएंगे, काउंसलर मेयर चुनेंगे और मेयर के थ्रू चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। ये जो कृष्णा नगर इलाके के जिस वार्ड में हम आए हैं, यहाँ तकरीबन 50,000 के आसपास मतदाता होंगे। भारतीय जनता पार्टी का अभी तक एमसीडी के चुनाव में एमसीडी में पूरा वर्चस्व है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय ऋतु बनता हुआ दिख रहा है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वोटर किस तरीके से अपनी चीज़ों को और बेहतर करते हुए दिखेंगे। लेकिन लोकतंत्र में लोगों को वोट देने का अधिकार है और हम भी अपील करेंगे कि लोग वोट दें, क्योंकि वोट के जरिए ही वो अपनी बात को सही तरीके से अपने उम्मीदवार तक पहुंचा सकते हैं। और जो उम्मीदवार चुने जाते हैं, वो उम्मीदवार कहीं ना कहीं उनकी आकांक्षाओं पर खड़े उतरते हैं और आगे चल के विकास के कार्य करते हैं। जी बिल्कुल, और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एमसीडी इलेक्शन की सरगर्मी किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर, एमसीडी इलेक्शन को किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया देखते हैं मैडम। हमारे यहाँ संदीप कपूर जी है, बहुत अच्छा काम कराते हैं। सरगर्मी बढ़ रही है कि एमसीडी इलेक्शन की? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ खास नहीं है। कौन कौन से प्रमुख होते हैं? मैडम, ऐसे है कि यहाँ पे तो सारी खुदाई कर करके सड़कों का बेड़ा गर्क कर दिया, अच्छी बड़ी सड़कों का, तो क्या काम करेंगे जी? कहीं कोई आने के सुविधा नहीं, कोई जाने की सुविधा नहीं, दुनिया इतनी परेशान है कि पूछो मत। शराब के ठेके जगह जगह खोल दिए गए हैं, एक के साथ तीन फ्री मिल रही हैं। लोगों कहते हैं नशा मुक्त होना चाहिए, नशा मुक्त और नशा और दे रहे हैं ये लोगों को। इस बीच क्या और भी कोई प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ आप लोग सोचते हैं कि अब बदलाव की बात है? साफ सफाई नहीं है, नालियाँ साफ होती नहीं है, कूड़ा उठता नहीं है। साफ तौर पर कहा जा सकता है साफ सफाई के साथ यहाँ पर कई शराब के मुद्दे और भी कई मुद्दे हैं। सर, आप किस तरह से देखते हैं, कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं? शराब के ठेके जगह जगह खुलवा दिए इसने, लेबर जितनी है दारू पी के पड़ी है, काम धंधे हो नहीं रहे हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अभी हड़ताल चल रही थी इनकी, यहाँ इतने ढेर के ढेर लग गए थे, पीछे बदबू आ रही थी। तो साफ सफाई क्यों नहीं करवा रहे? साफ सफाई, अब हड़ताल चल रही थी उनकी, अब उनकी पता नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। हम तो कई बार कंप्लेंटें करी हैं हड़ताल को लेकर। यहाँ पर एक चीज और सामने आई कि केंद्र की मोदी सरकार जो पैसा जो दे रही है वो राज्य सरकार आगे नहीं दे रही, क्योंकि बीजेपी का वर्चस्व कायम है। कुछ दे रही मैडम पैसे, केंद्र सरकार को पैसे दे रही है लेकिन राज्य सरकार आगे नहीं दे रही। वजह क्या मानते हैं? वजह केजरीवाल का निकम्मापन मानते हैं और क्या। तो क्या लगता है कि अब क्या होना चाहिए, किस तरह का बदलाव? मैडम, जगह जगह मंदिरों के पास में हर एक जगह उन्होंने ठेके खोल दिया, मल्लों में ठेके खोल दिए, तो क्या बच्चों पे असर पड़ेगा जी? आपको समझ आ रही चीज के लिए क्या बोले? जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए उन्होंने, रास्ते ब्लॉक हो गए, जहाँ देखो ट्रैफिक जाम हो रहा है, पब्लिक को आने जाने में दिक्कत हो रही है। मंदिर के पास, स्कूलों के पास ठेके खुल गए हैं। मंदिर के पास नहीं होने चाहिए, स्कूलों के पास नहीं होने चाहिए। बच्चे स्कूल जाएंगे या मंदिर जाएंगे कैसे करेंगे? तो ठेके तो बंद होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो दूर हों। एक पेटी के साथ एक पेटी शराब की फ्री मिल रही है, लोग शराब जी पियेंगे और क्या करेंगे? इस बीच महिला सुरक्षा को सर आप किस तरह से देखते हैं? महिला सुरक्षा तब हो पाएगी जब समाज में स्वस्थ रहेगा, क्योंकि समाज में जगह जगह ठेके खुल रहे हैं, जैसे प्रकार से बच्चे जाते हैं निकलते हैं देखते हैं वही वो करते हैं। जब एक यहाँ पे लिमिटेड एक एरिया में एक था, आज इस एरिया में 5 से 6 ठेके खुल चुके हैं। जब शराब पी करके लोग नशे में रहेंगे तो गलत ही करेंगे, चाहे वो किसी के प्रति हो, एक महिला के प्रति हो, चाहे बच्चे के प्रति हो, चाहे किसी बड़े के प्रति हो। जो नशे में रहेगा सारा दिन, उसे होश ही नहीं होगा, तो उसे क्या सही है और क्या गलत है उसको जानना ही मुश्किल हो जाएगा। सर, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपने बहुत चुनाव देखे, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या एमसीडी इलेक्शन। अभी एमसीडी इलेक्शन की कवरेज यहाँ पर हो रही है, किस तरह से आप देखते हैं, कौन कौन से वो प्रमुख मुद्दे आप देखते हैं? मुद्दा तो ये है कि जो हमारे मिनिस्टर इलेक्शन जीत जाते हैं वो अपने ऑफिसों से उठ के बाहर आते ही नहीं है अपने कामों को देखने के लिए। कि जैसे मान लीजिए DTC है, DTC ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं बाहर नहीं आते कि हम देखें हमारी बसें कैसे चल रही हैं। मेन मुद्दे ये हैं कि अपने डिपार्टमेंट में मत बैठो, बाहर निकल के जो है उनको देखो कि हमारे पास किस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, हम उसको देखें कि वो ड्राइवर एग्जांपल कंडक्टर सही तरीके से बसों को सवारियों को बैठा रहा है नहीं बैठा रहा है।
सर एक रिएक्शन है आपसे भी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो सामंजस्य है वो बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो क्या लगता है कि पार्षद उसी पार्टी का होना चाहिए जिसकी राज्य में सरकार है? सरकार तो ऐसी आना चाहिए जो कि सरकार जो पहले जो चल रही थी, आज तो आदमी इतना पब्लिक परेशान है, वो ये देखता है कि मतलब कहीं काम भी नहीं है, कहीं रोटी नहीं है, कहीं खाना नहीं है, आने जाने की सुविधाएं नहीं है, तो ये सारी समस्याएं हैं। आप बिल्कुल तमाम तरह की समस्याएं जिनको जानना यहाँ पर बेहद जरूरी है, और ऐसे में पार्षद का जो यहाँ पर चुनाव होगा और ऐसे में अब महापौर मेयर कौन होगा वो देखना यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। मैडम क्या बोलूँ, अभी तो निर्णय होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। फिर भी कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको यहाँ पर ध्यान रखे आप अपना महापौर मेयर पार्षद यहाँ पर चुनेंगे? लेकिन अरविंद केजरीवाल का तो बाकी लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सर, जो हमारा दिमाग था उतना बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी लोगों के पास जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि अलग अलग तरह के रिएक्शन यहाँ पर सामने आ रहे हैं, और जो रिएक्शन है वो वाकई में यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि एमसीडी का इलेक्शन है, एमसीडी के इलेक्शन को लेकर सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी है, मुद्दे कई ज़्यादा है। सर यहाँ पर जिस तरह का नज़ारा है, बहुत घोड़े यहाँ नज़र आ रहे हैं, किस तरह का यहाँ पर काम है, क्या कुछ है? यहाँ बराते हुए घोड़ियाँ चलती हैं, वैसा काम नहीं है तांगे घोड़े का। नगर पार्षद जो आप चुनेंगे किस तरह से चुनेंगे, क्या कौन से वो मुद्दे होंगे? जो काम करेगा उसी को चुनेंगे। किस तरह का काम? देखभाल करेगा, सफाई इधर घोड़ियों की देखभाल। तो देखिए राजकुमार जी, यहाँ पर मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं जिनको लेकर यहाँ पर आम जनता अपने हित के लिए उठाती हुई नज़र आ रही है, और ऐसे में और भी लोग हैं जिनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगी कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, धन्यवाद ऋतु। जनाब जनता नेता को चुनती है और नेताओं से बड़ी अपेक्षा होती है, हालांकि जीवन का अनुभव है, एक समय टांगे चलते थे, टांगे के जाते हैं, भूखे मर रहे हैं और टांगे वाले भूखे मर रहे हैं, ये तो बाकी गवर्नमेंट पर भी ख्याल कर रही है। कोई सरकार को बात पहुँचाना चाहेंगे? जाएंगे क्या, गवर्नमेंट भूखे, हमारा हमारे घोड़े भी भूखे और हम भी भूखे, अब क्या करें? टांगों को अनुमति दी जानी चाहिए? हाँ देनी चाहिए, बोले हमारे रोजगार को बनाओ। फिर बंद कैसे हुए? बंद करा दिए बड़े बड़े नेता लोग जो हैं। अच्छा, कहने पर भूआ दिए हमारे को, पहले नहीं आप इतना पा रही है, क्या करें? गवर्नमेंट का कौन भी चल रहा है, सरकार तो आप ही चुनते हो। अरे चुनते हो आप, बाबूजी वो उसको चुने गए जो ये नमस्ते करेगा, तो नमस्ते करने से नहीं तैयार होंगे अब? हाँ ना आए, हमारी तो नमस्ते हो गई है, हमारी तो नमस्ते हो गई है। देखिए जब मन से बातें निकलती हैं तो बहुत उनमें बड़ा भाव होता है, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर पूरी व्यवस्था थी इस टांगों के जरिए इन लोगों का भरण पोषण होता होगा और घोड़ा पालना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि इनके इमोशन जुड़े हुए हैं, इनकी भावनाएँ जुड़ी हुई हैं, इसलिए अभी भी टांगे तो नहीं लेकिन घोड़े पालना। अभी एक बुजुर्ग ने कहा कि घोड़े भी भूखे हैं और हम भी भूखे हैं, सरकार को निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। विकास हो रहा है लेकिन एक आम आदमी और पौराणिक समय से जो चीज़ें चली आ रही है उनको भी कहीं ना कहीं बेहतर बनाए रखा है। इंतजाम करते हैं गवर्नमेंट, चलो वो टांगे नहीं चला रहे हो, हमारा रोटी रोटी मतलब अगर भाई साहब एक पसंद आप अगर सरकार को अपनी बात पहुँच रहे हैं, आपकी बात इस चैनल के जरिए सरकार तक क्या पहुँचाएंगे? जाएंगे कि हमारे बच्चों को ख्याल करो, हमारा ख्याल करो, टांगे मोड़े तो बंद हो ही गए हैं, अब कोई ना कोई रोजी रोटी का तो सवाल करो। अरे आप तो विधानसभा की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के राजनीति में हमारी ऐसी होती है कि हम लोग दिल्ली में खड़े होकर बात कर रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी 7वें चरण का मतदान बाकी है, 10 मार्च को वहाँ पिटारा खुलना है, लेकिन यहाँ भी लोग बात वोट डाल के आगे और अभी चुनाव की खुमारी उतरी नहीं है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा एमसीडी के चुनाव में किस तरीके से कहाँ किस करवट ये राजनीतिक रूप बैठता है। लेकिन एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि सरकार को अभी बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है, इसलिए सोचिए। मेरी सहयोगी रितु और कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नई दिल्ली।